हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे और मेरे परिवार तरफ से हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है क्योंकि दिवाली के समय में ज़्यादा काम था, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी। तो हम घूमने के लिए जा रहे थे तो बीच में नर्सरी आ रही थी, तो चोला सोचा कि देख लेते हैं क्या नए पौधे आए या नहीं। ज़्यादातर मैं अपने पौधे यहाँ से ही ख़रीदती हूँ, तो मैंने का सोचा चलो देख लेते हैं। तो हम देखने आए हैं, बहुत बड़ी नर्सरी है यहाँ पे, ये गांधीनगर हाईवे पे आई हुई है। और हम यहाँ पे आते हैं तो इसकी मुलाकात लेते ही हैं। बहुत अच्छे अच्छे पौधे भी आए हुए थे, तो मुझे विंटर के लिए पौधे चाहिए थे लेकिन वो तो नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो इंडोर प्लांट ही ले लेती हूँ। तो मैं देख रही थी कि कैसे कैसे पौधे हैं, तो मैं सोच रही थी मैं क्या लूँ। मैं उनको, वो भैया थे, उसको बता रही थी कि मुझे प्लांट लेने हैं, तो वो बता रहे थे आपको कौन सा प्लांट लेना है। तो मैंने सोचा चलो जड़ीदार प्लांट ही ले लेते हैं, मेरे पास एक तो था लेकिन मैंने सोचा चलो दूसरा भी ले लेते हैं क्योंकि मुझे प्लांट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो प्लांट लिया था, उसके बाद मैं देख रही थी बीजा कौन दूसरा कौन सा प्लांट लूँ। तो मैंने देखा एडेनियम, लेकिन एडेनियम का भाव बहुत ज़्यादा था। मैं जब प्लांट दिख रही थी तब उन्होंने वीडियो बना ली थी सारे पौधों की, बहुत अच्छे अच्छे पौधे मिल रहे थे। मैं एरिका पाम भी दिख रही थी लेकिन मेरे पास एक था, वो सूख गया, इस वजह से मैंने दूसरा भी नहीं लिया क्योंकि उसको अच्छी मुआवजत की ज़रूरत होती है लेकिन मैं उसकी केयर नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। जब मैं प्लांट दिख रही तब तक उन्होंने सारी वीडियो बना दी थी। मैं दिख रही थी डिफन बाचिया लेकिन उसकी रेट भी उसने ज़्यादा बताई थी, मैंने नहीं लिया। फिर सोचा चलो एक बार देख लेते हैं कि कैसा है पौधा। और उन भैया से मैंने काफ़ी जानकारी भी ले ली कि किन पौधों में कैसे कैसे मुझे फर्टिलाइज़र डालना है, तो उन्होंने बताया, सारी जानकारी मुझे दे दी है उन्होंने कि कैसे हमें पौधों को केयर करनी है। और मैं देख रही थी दीपन बचे लेकिन कोई अच्छा नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको नहीं खरीदा। और यह है रबर प्लांट, तो मैंने एक रबर प्लांट भी लिया है क्योंकि मुझे पौधा, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया था, बहुत अच्छा पौधा है वो, मैंने इसे ले लिया, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसकी प्राइस भी बहुत कम थी, कम रेट में मिली है मुझे। और मैंने ले लिया है फर्टिलाइज़र पौधों में डालने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी गमले भी मिल रहे थे, काफ़ी अच्छे थे, उनका रेट भी बहुत कम था, ये 50-60 में मिल जाते हैं यहाँ पे। और हमने यहाँ से खरीदी कर ली सब, तो मैंने यहाँ से सिर्फ 3 ही प्लांट लिए है, तो रबर प्लांट, जर्जर प्लांट और कोलियस का पौधा लिया था। मेरे पास एक कोलियस का पौधा था लेकिन वो मर गया, तो मैंने दूसरा ले लिया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो अब हम उन भैया ने भी मेरी हेल्प कर दी पौधे रखने के लिए, बहुत अच्छा अच्छे पौधे मिलते हैं यहाँ पे इस नर्सरी में, धन्वंतरी इसका नाम है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।